मनीष चौहान को टिकट होता तो वोट मनीष चौहान की थी, चाहे उसे किसी भी पार्टी का होता। अब तो वो टिक रखी है, अब लड़ा ले, अब कर ले मनीष चौहान ना, अब फिर मनीष चौहान की सरकार बदल जाए तो मान अगर मनीष चौहान निर्दलीय भी लड़ेंगे उसके वोट देंगे, वोट देंगे। अरे सर नगर पालिका परिषद चेयरमैन ने कितना काम करा, बात तो वही है ना सारी बात। टिकरा को ऊपर सबने वोट दी थी कांदले के अंदर, अच्छा इसमें काम नहीं हुआ कांदले के अंदर, पूरी मार्केट परेशान है यहाँ पे। आप इतना तुम लगा लो 6 महीने से मार्केट का सड़क नहीं पड़ी हो क्योंकि तो, अच्छा। तो इस बात को परेशान तो चेयरमैन से कुछ नहीं है जी हाँ, चेयरमैन की जिम्मेदार थी इकरा, तो बात तो जी हाँ पूरा सादिक भाई क्या लग रहा है इस बार प्रदीप चौधरी का क्या लग रहा है, 5 साल रहे का बदलाव हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। अच्छा 10 महीने कांगड़ा चेयरमैन के कैसे लगे आप, अभी सही है और का। काम वाम कुछ हुआ कस्बे में अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं हमें लग रहा, उम्मीद है तो भाई मुश्किल है। चलिए सर वोट नहीं है, एक और बात हम ये कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, योगी जी के राज में बहुत अच्छा काम हो रहा, बिना भेदभाव के विकास हो रहे, मकान बन रहे लोगों के, भाई पेंशन मिल रही, योगी जी हम तो उनका सरकार योगी जी की रे है, पर हम वोट ही करा के देंगे। अच्छा वोट ही करा के देंगे, वोट ही करा के देंगे, ज्यादा वोट लगे भाई। एक हमारे क्षेत्र का वो पड़ा है गढ़ी राम कौर के लोगों ने एक वीडियो वायरल करी, वहाँ ऊपर फोटो लग रहा, वो तोड़ फोड़ सा करता था, कहीं गुमशुदा के कहीं क्या आने रहे। देखो हम बुरा तो कहते नहीं बिचारे से, ना तो हमने कोई काम पड़ा, ना हमने काम पड़ा बिचारे से कभी, ना हमने मतलब, पर जो सुनने में आ रही सोशल मीडिया पे देखते हैं जगह जगह विरोध ज्यादा है बिचारे का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा जी, क्या कहना चाह रहे? कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो आजाद हैं। अच्छा क्या लग रहा है, इकरा हसन या फिर प्रदीप चौधरी? हमें नहीं कुछ पता, बीजेपी अच्छा है कांग्रेस, क्या लग रहा दिल में क्या कांग्रेस वो आवेगी बीजेपी, बीजेपी आवेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सरकार से है भाई मैं भीख भाग मांगू अपना, कुछ मेरा ऐसा सहारा हो जाए जो मैं कुछ हिल्ला करके बैठ जाऊं। अच्छा 3 लड़के हैं मेरे, 2 की शादी हो रही है, एक मेरे सियाणी बैठी। अच्छा लड़का नहीं है कोई? मेरा लड़का है 6 साल का है, 6 साल का हाँ लड़का है। पेंशन मेरी नहीं बनती, कई दफे मैंने कागज भर लिए, अच्छा मेरी कोई पेंशन नहीं बनती। तो पेंशन चाहते हैं, पेंशन बांध दे सरकार, पेंशन बांध दे, कुछ मदद थोड़ी वैसी कर दे भाई, जिससे कि मैं अपना कोई हिल्ला करके बैठ जाऊं, मांगने से पेंडा छूट जाए मेरा। बिल्कुल सही। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी भी वाजिद के साथ में, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज इंडिया पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी माहौल पूरे प्रदेश और पूरे पूरे भारत में है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर 19 अप्रैल केराना लोकसभा में 19 अप्रैल को वोट डलना है, जहाँ से 2 प्रत्याशी खड़े हैं, एक है प्रदीप चौधरी जी जो कि बीजेपी से हैं, इकरा हसन गठबंधन से हैं, और मैं आज कांधला के अंदर मौजूद हूँ, कांधला का केराना बस स्टैंड पे मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं वीर अब्दुल हमीद जी की यहाँ पर जो एक स्मारक बनी हुई है, उसके मैं बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, और लोगों से 10 महीने पूरे हो चुके हैं कांधला चेयरमैन को, उसकी भी प्रतिक्रिया जानते हैं बस स्टैंड के लोगों से, जो कि कस्बे के ही लोग हैं और जो कुछ और अलग जगह के लोग हैं कहीं के भी, तो उनसे हम प्रतिक्रिया जानेंगे 2024 चुनाव के बारे में। और प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्किप कर देते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट बातें होती है वो निकल जाती है, प्लीज स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने का अपने अंदर धैर्य लाएं, क्योंकि जिन चैनलों को आप देख रहे हैं वो चैनल ऐसे चैनल हैं जो कि आप जानते हैं किस तरह के वो चैनल हैं, आपको क्या दिखा रहे हैं। तो हम आपको बिल्कुल पब्लिक से रूबरू कराने के लिए आज निकले हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए आप पब्लिक के बीच चलते हैं। तो भाई चलते चलते रिक्शा वाले भाई खड़े हैं यहाँ पर, जरा क्या नाम है भाई साहब? खुर्शीद। खुर्शीद भाई क्या लग रहा है, 10 महीने हो गए चेयरमैन ने कांधला को, कितना काम लग रहा हो गया चेयरमैन? काम तो बस हो भी रहा, नहीं भी हो रहा। कौन से वार्ड के हो आप? मंदिर की तरफ कौन सा वार्ड पड़ता है? अच्छा ये मंदिर की तरफ से हो जी। अच्छा ये बताओ लोकसभा चुनाव में इकरा हसन या प्रदीप चौधरी कौन सा लग रहा है आपको जीतने का चुनाव? गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन या बीजेपी? इकरा हसन। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आगे चलते हैं, एक भाई और खड़ा है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई? अरे भाई क्या लग रहा, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? इकरा हसन ठीक है जी, अपनी जगह जो अपना काम करते हैं वो अपनी जगह ठीक है। तो वोट का लग रहा है इकरा हसन में जाओगे अब? चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। अब आगे की तरफ चलते हैं, जरा और लोगों से बात करते हैं। चलते यहाँ पर एक और भाई मिल गए मुझे, जरा तरह से थोड़ा सा इनका दिखाइए बिचारों का, पैरों से मजदूर है, एक पैर से प्रॉब्लम है, एक पैर में बिचारों के। क्या नाम है भाई साहब? इसरार है जी नाम मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? तेहरान का हूँ जी। तेहरान के? अच्छा
तो आपके यहाँ से एक राजी उठ रही है, क्या लग रहा मामला वहाँ का? भाई इस मामले में हम तो कह नहीं सकते, पर है हो जाएगी। अच्छा वो लग रहा उम्मीद है। अच्छा कहा बताओ केराना में कितना काम करवाया चेयरमैन साहब ने 10 महीने में, काम हुआ कुछ? बस काम तो रशीद ने करवा था, उसके बाद उन्होंने थोड़ा घना काम करवाया, बाकी बात नहीं आई। वो जो आने चाहते जो लोगों ने सोच के वोट दी, नहीं वो नहीं। आपकी कोई समस्या हो सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? सरकार से ये है भाई मैं भीख भाग मांगू अपना, कुछ मेरा ऐसा सहारा हो जाए जो मैं कुछ हिल्ला करके बैठ जाऊँ। अच्छा 3 लड़के है मेरे, 2 की शादी हो रही है, 1 मेरे सानी बेटी। अच्छा लड़का नहीं है कोई? मैं लड़का है 6 साल का है। 6 साल का हाँ लड़का है। पेंशन मेरी नहीं बनती, कई दफे मैंने कागज भर लिए। अच्छा मेरी कोई पेंशन नहीं बनती। तो पेंशन चाहते हैं, पेंशन बांध दे सरकार? पेंशन बांध दे, कुछ मदद थोड़ी वैसी कर दे भाई, जिससे कि मैं अपना कोई हिल्ला करके बैठ जाऊँ, मांगने से पेंडा छूट जाए मेरा। बिल्कुल सही बात है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज कराने के रहने वाले हैं, इनकी 3 बेटियां हैं, एक छोटा बच्चा है, इनकी मदद भी करें, जिससे कि ये अपना बेचारे चाहते हैं मांगने से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, इनकी बहुत अच्छी सोच है, तो इनकी भी मदद करें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं जरा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुस्तफा जी, क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो आजाद हैं। अच्छा क्या लग रहा है, इकरा हसन या फिर प्रदीप चौधरी? हमें नहीं कुछ पता। बीजेपी अच्छा है कांग्रेस, क्या लग रहा दिल में? क्या कांग्रेस आवेगी? बीजेपी, बीजेपी आवेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। क्या नाम है? सादिक जी। सादिक भाई क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में? इकरा हसन जी। प्रदीप चौधरी का क्या लग रहा है, 5 साल रहे? बदलाव हो जाए, बदलाव हो जाए। अच्छा 10 महीने कांग्रेस चेयरमैन जी के कैसे लगे आप? अभी सही है अपना, और का काम वाम कुछ हुआ कस्बे में अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं, हमें लग रहा उम्मीद है तो भाई मुश्किल है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आगे चलते हैं जरा बस स्टैंड पर। क्या नाम है भैया? नितेश। नितेश भाई क्या लग रहा लोकसभा चुनाव में इस बार, बीजेपी या इंडिया गठबंधन? बीजेपी। बीजेपी आपके क्षेत्र से इकरा हसन जी का लग रहा है या फिर प्रदीप चौधरी? ये तो हम कह सकते, बाकी ऊपर सेंटर में तो आई रही है लोग कह रहे हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का क्या क्या हमें पता नहीं, हम तो सुबह यहाँ जा रात को अपने घर चले। अच्छा 10 महीने चेयरमैन ही हो गए, चेयरमैन बने हुए 10 से 11 महीने, कितना काम हुआ है शहर के अंदर? फिलहाल तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं जाता, उम्मीद है कुछ हो सकता है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, इधर चलते हैं। क्या नाम है भाई साहब? इनाम है। इनाम भाई कहाँ के रहने वाले हो? मलकपुर। क्या लग रहा चुनाव का माहौल इस बार मलकपुर में? इधर चुनाव आई ने 19 तारीख को जो है वोट डलनी है आपके इलाके की, आपके क्षेत्र की। अच्छा 24 की इकरा का लग रहा आपको या फिर प्रदीप जी का? दोनों का लग रहा है बराबर चली टक्कर। अच्छा चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ पर आ गए जरा, ये भाई बैठे हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा फुरकान जंग। फुरकान भाई क्या लग रहा है माहौल लोकसभा 2024 का, किसके पलटे में है? देखो 2024 का तो हमें पता नहीं, हमें अपनी केराना लोकसभा का पता। हमारी केराना लोकसभा पे पहली बात तो हम दीवाने हैं मनीष चौहान के। अच्छा। क्योंकि मनीष चौहान हमारा नेता है, सबसे पहले तो मनीष चौहान है। मनीष चौहान का जो है टिकट नहीं हुआ क्योंकि उसी के हमने वोट देने थे, अब तो हम इकरा के वोट देंगे भाई। इकरा इकरा हो रही है अब तो जी सर, भी देख लो इकरा 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 इकरा। तो बीजेपी ने गलती करी है कि टिकट जो है प्रदीप चौधरी को देकर अगर देते मनीष जी को तो कुछ बन सकता है? हमारा बीजेपी से कोई मतलब नहीं, नाम बीजेपी ने खराब बताते नाम किसी ने, हम अपने कैंडिडेट की बात करें, पहला हमारा मनीष चौहान था जो बीजेपी में था, अब बीजेपी से वोट देते हम, जब वो बीजेपी में था तो हम उसके वोट बीजेपी से देते, तो बीजेपी से हमारा कोई नहीं मामला। मतलब है हम अपने नेता की बात, अपने क्षेत्र की बात, हमारे क्षेत्र की जो नेता है इकरा हसन है उसी इकरा इकरा रही उसी से वोट देगी। और इससे पूछ कहना क्या चाहेंगे की चंद दिन पहले हमारे पूर्व सांसद है प्रदीप चौधरी थे, उनके शहर में अच्छा वोट मांगना आया था, दोबारा तब तक आया नहीं, वोट मांगने का नाम का भी नहीं आया, 5 साल में भी कहीं नहीं दिखे लोग ऐसा कह रहे हैं। एक हमारे क्षेत्र का वो पड़ा है गढ़ी राम कौर के लोगों ने एक वीडियो वायरल करी, वहाँ ऊपर फोटो लग रहा, वो तोड़ फोड़ सा करता था कहीं गुमशुदा के कहीं क्या नहीं रहे। देखो हम बुरा तो कहते नहीं बिचारे से, ना तो हमने कोई काम पड़ा, ना हमने काम पड़ा बिचारे से कभी, ना हमने मतलब, पर जो सुनने में आ रही सोशल मीडिया पे देखते हैं जगह जगह विरोध ज्यादा है बिचारे का, पर हम दोनों कह रहे हैं भाई क्या भाई इकरा इकरा हो रही आपको क्या लग रहा है? भाई 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 साहब ने बताया नहीं क्या? और मनीष चौहान के उनका टिकट अगर होता तो बाकी हम मनीष चौहान के हम मंत्री वीरेंद्र सिंह जी का आदमी जुड़े हुए हैं। मंत्री वीरेंद्र सिंह भाजपा में जाए, सपा में जाए, भाजपा में जाए, कहीं जाए, हम तो मंत्री वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे मनीष चौहान के वो नहीं है तो भाई वोटर भी है, सपोर्टर भी है, और भाई उनके हम नुमाइंदे भी है।
अब उनका पार्टी में टिकट नहीं हुआ तो हमें तो एक राशन के वोट देने हैं। हमें और किसी का मतलब नहीं, पार्टी कोई कहीं जाओ बेचारी पार्टी का। सुनो छत्तीस बिरादरी में कहीं जाकर देख, और एक और बात बताऊं, हालांकि यहाँ एक राज्य वोट नहीं है। एक और बात हम ये कह रहे हैं कि योगी जी बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, योगी जी के राज में बहुत अच्छा काम हो रहा, बिना भेदभाव के विकास हो रहे, मकान बनने लोगों के, भाई पेंशन मिल रही, योगी जी हम दोनों का सरकार योगी जी की रे, पर हम वोट ही करा के देंगे। अच्छा वोट ही करा के देंगे, वोट ही करा के देंगे, मोदी के योगी जी सीट नहीं चाहते क्योंकि मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कितने करोड़ों का वो अनाज बटे हर महीने, और भाई पता नहीं हो क्या काम तो नहीं चल रहा। अरे बहुत योजना दे रखी, घर कितने दे दिए, घर भी दे दी, छत भी दे दी, और पता क्या दे रही। मोदी सरकार बढ़िया काम करी पर वो ठीक रखी जाएंगे। और इससे पूछ लो, चलिए इधर आते हैं, क्या नाम है भाई? क्या कहना चाहोगे आप चौबीस के बारे में? भाई चौबीस चौबीस का तो हमें पता नहीं, हमें तो अपनी कराना लोकसभा सीट का पता। मनीष चौहान को टिकट होता तो वोट मनीष चौहान की थी, चाहे उसे किसी भी पार्टी का होता, अब तो वो टिक रखी है। अब लड़ा ले, अब कर ले मनीष चौहान, फिर मनीष चौहान भी सरकार बदल जाए तो मान लगा मनीष चौहान निर्दलीय भी लड़ेंगे, उसके वोट देंगे। अरे सर हाँ, मनीष चौहान हमारे काम करे, वीरेंद्र सिंह हमारे काम करे, काम पड़े वे हमारे यहाँ लोगों के काम करे, बिना लालच के विकास करें। खेल मैदान बनवा के जसाड़ा में बहुत सारे उन्होंने विकास के यहाँ रास्ते खोल रखे। तो भाई वीरेंद्र सिंह के लड़के को वोट देते, उन्हें टिकट नहीं होता, विक्रा को वोट देंगे। सुनिए कांला देहात हमारा जो है नगर, हमारा जो मकान है वो कांला देहात के अंदर, हर गली एक एक गली के अंदर मनीष चौहान के द्वारा शीशी बचाई गई। मनीष चौहान के द्वारा समझे, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग मनीष चौहान के आज के टाइम में। आज वो निर्दलीय लड़े तो आज वो मनीष चौहान के साथ है। सुनो, मनीष चौहान एक ऐसे हैं जो हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के लिए खड़े, चौबीस घंटे खड़े, एक मिनट में खड़े हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारा वो पड़ा इधर राज गार्डन में गरीब लोगों के मकान थे, दुकान थी, पता नहीं और था, तो कुछ लोग आए, पता तो नहीं कौन है बेचारे, उनके मकान और बुलडोजर से चल गए, एक सार कर गया। मनीष चौहान ही आए, उन गरीबों की आवाज उठाई और फिर उनको न्याय दिया। तो मनीष चौहान तो देखे, मनीष चौहान है पर वोट बाद में, जब उनके दबंग नेता कह सकते हैं, दबंग नहीं है, दबंग क्यों कहेंगे, दबंग नहीं है, काम करने वाले भाई वे है जनता के हमदर्द। अच्छा हम दबंग क्यों कहें, दबंग दबंग के लिए क्या करें, उन्होंने बताओ, जनता के हमदर्द है, सेवक है। हाँ मनीष चौहान यहाँ पर एक शॉप है, टी स्टॉल आप इसे कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, और बाकी यहाँ पर आपको और भी खाने पीने का सामान मिल जाएगा। ये भैया खड़े हैं, क्या नाम है भाई साहब? नदीम भाई, क्या लग रहा है आपको इस बार 2024 का चुनाव किसके पलड़े में है? प्रदीप चौहान, प्रदीप चौधरी। लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में एक राशन जी का ज्यादा लग रहा है? सर वो तो सबकी सोच के बात है, अच्छा। अपने खुद की बता रहे, खासकर अपने महिला की बता रहे, सब प्रदीप के साथ हैं, टोटल बीजेपी के साथ कह सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, 10 महीने में नगर पालिका परिषद चेयरमैन ने कितना काम करा? बात तो वही है ना, सारी बात इकरा को ऊपर सबने वोट दी थी कांदले के अंदर। अच्छा, इसमें काम नहीं हुआ कांदले के अंदर, पूरी मार्केट परेशान है यहाँ पे। अच्छा। आप इतना तुम लगा लो 6 महीने से मार्केट का सड़क नहीं पड़ी होगी, तो इस बात को परेशान, चेयरमैन से खुश नहीं है? जी हाँ, कोई कुछ नहीं है, चेयरमैन की जिम्मेदारी थी जरा। अच्छा, तो बात तो ये नाराज हो रहे हो? जी हाँ, पूरा मेला नाराज है हमारा, खासकर मेला खेल वार्ड नंबर 15 पूरा नाराज है, पूरा मेला। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं जरा। मेडिकल स्टोर भी है भाई का, तरह की तरफ आ गए। क्या नाम है भाई साहब? लोकसभा 2024 के बारे में क्या कहना चाहोगे? किसका लग रहा पलटा भारी, इकरा का या प्रदीप चौधरी का? इकरा सन। आपको क्या लग रहा? चलिए सर आगे चलते हैं जरा, और भी शॉप है जरा उनसे भी बात कर लेते, स्टोर ये भी है जरा इनसे पूछते हैं भाई से। क्या नाम है भाई? मोनू भाई, क्या लग रहा 2024 लोकसभा में किसका पलटा लग रहा है, इकरा का या प्रदीप चौधरी का? हमारे इधर तो इकरा चौधरी है, इकरा चौधरी का। अच्छा, 10 महीने कांदला चेयरमैन जी को हो गए, क्या लगा आपको, अब तक काम हो पाया कुछ है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल कोई डेवलप नहीं है, उम्मीद है कुछ हो सकता है। हाँ इंशाल्लाह, जैसे वादे कर रखे चेयरमैन साहब ने अभी, कुछ ना कुछ जैसे कह रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अब चलते हैं जरा आगे की तरफ। प्रेस कर रहे हैं कपड़ों पे, जरा इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, क्या कहना चाहोगे लोकसभा 2024 आपके क्षेत्र से किसका लग रहा पलटा भारी? भाई हमें तो वोट देखो समाजवादी को देनी, पलटा भारी तो वही था इंशाल्लाह। अच्छा, इस बार समाजवादी का लग रहा आपको? हाँ, तो इकरा हसन जी का है आपके लग रहा?
अच्छा 10 महीने चेयरमैन नहीं को गए कांड लगी, क्या लगा आपको कि कुछ काम हो पाया नहीं? काम भाई जब मेंबर कांड देंगे तो करेगा चेयरमैन, अच्छा जितना भी काम हो रहा सोलिड होगा, लेकिन काम हो रहा है आपके नजर में कुछ ना कुछ? चेयरमैन मतलब मार्केट की सड़क बनी बेहतरीन बनी बिल्कुल, कहीं मिलावट नहीं कोई भी समझी, अब उधर बन रही दम डोंगरे साइड की, हाँ वहाँ भी एक नंबर का काम हो रहा है। तो आप खुश हैं चेयरमैन से भी? हम तो खुश हैं जी बिल्कुल। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, आगे चलते हैं जरा। की पेंट की शॉप है अभी शायद नहीं खुली है, क्या नाम है भाई? सुनैद क्या कहना चाहोगे 2024 शिखर हसन या प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी आपको क्या लग रहा भाई, शिखरा या प्रदीप? प्रदीप पे दे रहे हैं। बीजेपी को दे रहे हो इस बार? नहीं बीजेपी, बीजेपी प्रदीप ही तो है भाई साहब, तो आप किसको दे रहे? बीजेपी को दोगे समाजवादी को? समाजवादी को, शिखर हसन को। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, पूछते हैं क्या नाम है भाई? फरमान। फरमान भाई क्या कहना चाहोगे इस बार, इकरा हसन या फिर प्रदीप चौधरी? इकरा हसन जी। इकरा हसन क्यों? प्रदीप चौधरी आता नहीं जी यहाँ कहीं भी। अच्छा इकरा हसन ही होगी इंशाल्लाह। अच्छा चेयरमैन के 10 महीने हो गए, क्या काम हुआ है आपके इलाके में? हमारे इलाके में तो जी फिलहाल कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है अपना बबला ही होना चाहिए जी। अच्छा मतलब चेयरमैन से भी कुछ नहीं है? नहीं चेयरमैन से कुछ नहीं है जी। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, क्या नाम है? जी रियान। रियान भाई क्या लग रहा है आपको, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? हम लोग कौन से बीजेपी या फिर गठबंधन? गठबंधन। गठबंधन कहाँ के रहने वाले? कांडला की। कांडले। कांडले में लोग क्या कह रहे हैं, किसको दे रहे हैं वो? बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी को चलिए, बीजेपी को। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो भाई जब यहाँ पर भी दो लोग बैठे हैं जरा इनसे ही पूछ लेते हैं, क्या नाम है? डॉक्टर फिरोज खान। आप ये बताओ क्या लग रहा है माहौल 2024 लोकसभा का आपके क्षेत्र का, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? देखने से तो बीजेपी लग रही है आप। बीजेपी प्रदीप चौधरी लग रहा है बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है जी? क्या लग रहा है इकरा हसन या प्रदीप? इकरा हसन है। इकरा हसन जी। ये कह रहे हैं प्रदीप चौधरी आपके दोस्त, इनकी वोट नहीं यहाँ पर। अच्छा इनकी शामली में? जी शामली में। यहाँ का मालूम नहीं है लोकसभा तो सभी इलाके में, इन्हें यहाँ का मालूम नहीं है हमारे यहाँ का क्षेत्र का, इन्हें मैं क्या बताया सामने का, हमारे कस्बे का नहीं पता इन्हें। इकरा हसन को क्यों आप देना चाह रहे हैं, क्या वजह है? इकरा हसन को इसलिए देना चाह रहे हैं पहले से ही यहाँ पे जो है उन्नी का ही बोलवाला है, उन्नी परिवार का बोलवाला है, इसलिए देना चाह रहे हैं। हम प्रदीप चौधरी को नहीं है, हम बीजेपी की नीतियों के साथ है। अच्छा बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है देश के विकास के लिए, हम वोट फॉर बीजेपी। विकास बता रहे हो? विकास तो बीजेपी नहीं करा, उड़ना ही करा हसन ने करा। बताओ कुछ न कराया विकास? बताओ जी ये जितने रोड बन गए सारे हाईवे बन गए और शायद विकास क्या चाहिए तुम्हें? तो बहुत बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने के लिए, आप आगे चलते हैं। तो गाइस आज मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ा सा वक्त कम रहता है हमेशा के क्योंकि शाम हो जाती है, रमजान का भी महीना चल रहा है तो इस वजह से वक्त कम रहता है। जरा सा मैं एक चीज और दिखा दूं, कांडला के अंदर मैं हूं और ये देखिए गवर्नमेंट की जगह है जहां पर मैं खड़ा हूं, थोड़ा आगे लाइए कैमरे को, जरा सा ये दिखाना चाहता हूं कि कितनी गंदगी है यहां पर, कि इससे क्या हाल होगा। तो मेरी गुजारिश है प्लीज, क्योंकि अभी इलेक्शन भी चल रहे हैं अब तो शायद ना हो पाए काम, इलेक्शन के बाद मेरी गुजारिश है जो भी बनेंगे एमपी या जो विधायक हैं यहाँ के, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि इस गंदगी को प्लीज यहाँ से हटवाया जाए, इसके अंदर कुछ सफाई करके कुछ अच्छी चीज बनाई जाए। गवर्नमेंट की जगह वेस्ट पड़ी है, ऐसी वेस्ट पड़ी है कि इसमें गंदगी इतनी है कि इसमें कीड़े मकोड़े और मच्छर यहाँ पर लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, और प्लीज पूरा ही देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद।